और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगाई गई तरह तरह की पाबंदियों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है और कई बड़े झटके दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बैन और धारा 144 तभी लगाया जा सकता है जब उसकी अत्यंत जरूरत हो। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि लंबे समय तक इंटरनेट पर पाबंदी और धारा 144 का लगाया जाना सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है। कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए घाटी में लगाई गई सभी पाबंदियों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस निर्देश के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को अब पाबंदी से संबंधित सभी जानकारियों को सामने रखना होगा। इसमें सरकार को बताना होगा कि घाटी में कितने दिन से धारा 144 लागू की गई है और उसका आधार व कारण क्या है। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि कमेटी 7 दिन के भीतर इंटरनेट बैन और धारा 144 की समीक्षा करे।